नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फ्लैबी स्किन और लूज स्किन के बारे में, जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपकी ये थाई में लूज स्किन रहती है, आपके यहाँ पे ट्राइसेप्स, लोअर ट्राइसेप्स में यहाँ पे लूज स्किन रहती है, फिर आपके डबल चिन होती है, तो ये सारी चीज़ें कैसे दूर करें। तो बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे कि आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सब आप फॉलो करिए। बट वो सब एक्सरसाइजेज आपके तभी काम करेंगी जब आपकी दो फैक्टर्स बैलेंस रहेंगी, जब आपका सिस्टम अंदर से बैलेंस रहेगा, तभी आपके वो सारी एक्सरसाइजेस काम कर पाएंगी। तो बहुत सारे लोग होंगे जो कई सालों से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, बट उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं ये चीज़ें फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैं अपनी लूज स्किन को फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ज़्यादातर वुमेन में ही ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, फ्लैबी स्किन की प्रॉब्लम रहती हैं, जो बहुत टाइम तक उनके साथ रहती हैं, बट उन्हें उनका सलूशन नहीं मिल पाता। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही थी जो अभी तक ये चीज़ें आपकी फिक्स नहीं हो पाई हैं। ठीक है, तो मैं दो फैक्टर्स की बात करूँगा, ठीक है, जो एक एज के साथ गिरने लगती हैं और वो हमें बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला जो मैं बात करूंगा, दैट इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। सेकंड मैं बात करूंगा कॉर्टिसोल की, जो कि के स्ट्रेस हार्मोन है। तो जैसे कि नाम अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि आपको स्ट्रेस हार्मोन को हमेशा कम करके रखना पड़ेगा, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन आपको आपको कम करके रखना पड़ेगा और ग्रोथ हार्मोन को हमेशा इंक्रीज अप करके रखना पड़ेगा। तो कॉर्टिसोल का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप कितनी भी एक्सरसाइजेस कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, जो आपको मसल अपना बिल्डअप करना है, क्योंकि ये स्किन फ्लैट करना ये सब मसल बिल्डअप के बाद ही हो पाएगा। तो कॉर्टिसोल जो करता है वो प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, मसल डेवलपमेंट में जो प्रोटीन यूज होता है ना, दैट इट ब्रेक्स द प्रोटीन। तो आप कितना भी वर्कआउट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपके मसल बिल्डअप नहीं होंगी अनटिलनेस योर स्ट्रेस हार्मोन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो कैसे करेंगे ग्रोथ हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे, जैसे कि आपके ग्रोथ हार्मोन को बैलेंस करने के लिए आपको हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट दोनों फैक्टर्स को हम लोगों को बैलेंस करना है। स्ट्रेस हार्मोन्स बैलेंस कैसे होंगी, आपकी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करके, जैसे कि लॉन्ग वॉक्स, ठीक है। लॉन्ग वॉक्स अगर आप करिएगा तो आपकी स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन है वो आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। सेकंड जो आपका है ग्रोथ हार्मोन आपका बैलेंस रहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट शो करूँगा, उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका ग्रोथ हार्मोन बैलेंस रहेगा। फिर उसके बाद आता है आपको स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करना है, तो आपको स्ट्रेस अवॉइड करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा आप मेडिटेट करिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए। और इसीलिए अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस है तो आप लॉन्ग वॉक्स पे जाइए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो उससे आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा। फिर आपको शुगर अवॉइड करना है टू बैलेंस द स्ट्रेस हार्मोन, सबसे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको अपने विटामिंस, आपको पोटेशियम लेवल, ये दोनों आपको इंक्रीज करना है। क्या ये आपके मतलब पोटेशियम ऑब्वियसली आपको बनाना इनटेक जो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, आप सप्लीमेंट्स मत लीजिए, बट आपको ये सारी चीज़ें बैलेंस करके रखनी पड़ेंगी। उसके बाद स्लीप, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ हार्मोन्स, ठीक है। दोनों ही हार्मोन्स आपके बैलेंस होते हैं अगर आप एडिक्वेट स्लीप लोगे, ग्रोथ हार्मोन भी आपका बैलेंस होगा स्लीप से और स्ट्रेस हार्मोन भी आपका कम होगा, जो कॉर्टिसोल है वो भी आपका कम होगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप से, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पोटेशियम के लिए और विटामिंस के लिए आप सैलेड ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्रीफ मैंने आपको बताया है कि लूज स्किन को आप कैसे कम कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद दीज टू, बैलेंसिंग दीज टू हार्मोन्स। उसके बाद आप एक्सरसाइजेस करिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो स्ट्रेस से ही ये सब होता है और ज़्यादातर वुमेन में ही ये पाया जाता है। तो स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए पहले आप ये चार्ट को फॉलो करिए, ठीक है। उसके साथ साथ
आप माइल्ड एक्सरसाइजेस करिए, तब आपका, और जब आपका ये धीरे कम होने लगेगा, देन यू कैन गो फॉर बिग एक्सरसाइजेस और मसल बिल्डअप अगर आप करना चाहें तो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता लगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फैले। और ऐसे ही और कंटेंट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।